नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गाड़ी मालिक वैसे ही इन दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान चल रहे हैं। वहीं अब गाड़ी मालिकों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है, जिसके तहत अब बिहार में पुरानी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने और रजिस्ट्रेशन कराने में गाड़ी मालिकों को और ज्यादा पैसा देना होगा और उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी। सरकार के नए नियम के अनुसार फिटनेस और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 3 से 12 गुना तक की वृद्धि कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में भी भारी वृद्धि के बाद अब वाहन मालिकों को सरकार के इस फैसले से झटका लगा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुरानी गाड़ियों से निजात पाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने की बात कही थी। हैरानी की बात यह है कि बिहार में स्क्रैप पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे कि अब अगर कोई पुरानी मोटरसाइकिल को स्क्रैप कर नई गाड़ी अगर कोई भी लेते हैं तो मैनुअल चलने वाली मोटरसाइकिल्स में मात्र 400 तो सेल्फ वाली मोटरसाइकिल में मात्र 500 रुपए देना होगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अगर 15 साल बाद भी बाइक चलाना चाहता है तो उसे फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपए देने होंगे। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस समाप्त होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र लेने पर शुल्क के अलावा हर दिन 50 रुपए जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। नए नियम के अनुसार 3 पहिया वाले हल्के मोटरयान को स्क्रैप करवा कर अगर कोई नई गाड़ी खरीदेंगे तो उन्हें मैनुअल गाड़ी में मात्र 800 तो सेल्फ वाली गाड़ियों के फिटनेस मद में मात्र 1000 रुपए देने होंगे। वहीं 3 पहिया में अगर कोई 15 साल बाद भी गाड़ी चलाना चाहेंगे तो उन्हें फिटनेस के लिए 3 गुना अधिक 3000 रुपए देने होंगे। वहीं 15 साल पुराने हल्के मोटर यान चलाने को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 7500 रुपए जमा करना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने अब पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी वृद्धि कर दी है, जिसके तहत अब अगर आपसे कोई भी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवा कर कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में मात्र 300 रुपए देने होंगे। वहीं 15 साल से अधिक पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 1000 रुपए देना होगा। 3 पहिया गाड़ियों को स्क्रैप करवा कर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपए देने होंगे। वहीं 3 पहिया में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर 2500 रुपए देने होंगे। हल्के मोटरयान को स्क्रैप कर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपए तो वहीं पुरानी का रजिस्ट्रेशन कराने पर 5000 रुपए देने होंगे। आयातित मोटरयान को स्क्रैप करवा कर नई गाड़ी लेने पर 2500 रुपए तो पुरानी गाड़ियों का नवीनीकरण शुल्क 10000 रुपए तय किया गया है। आयातित 4 पहिया वाहनों को स्क्रैप करवा कर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 तो पुराने का नवीनीकरण शुल्क 40000 रुपए तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम स्क्रैप की बात करें तो मध्यम माल या यात्री मोटरयान को स्क्रैप करवा कर अगर कोई नई गाड़ी लेंगे तो उन्हें मैनुअल गाड़ी के लिए फिटनेस के मद से मात्र 800 तो सेल्फ वाले के लिए 1300, वहीं इस श्रेणी में 15 साल बाद भी गाड़ी रखने वालों को 8 गुना अधिक रुपए देने पड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम हिसाब लगाए तो लगभग 10000 रुपए। भारी माल या यात्री मोटरयान के लिए 1000 तो वहीं सेल्फ गाड़ी के लिए 1500 रुपए देने होंगे, जिससे आम आदमी की जेब ढीली होना तय बताया जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।